आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मक्खियों पर रिसर्च करके इंसानों के बारे में मिली जानकारी को 10 बड़े फैक्ट्स के थ्रू जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट, मक्खियों की जिंदगी कुछ ही हफ्तों की होती है, लेकिन इतने ही दिन में ये अपना 3 से 4 पीढ़ी बढ़ा लेते हैं, इसलिए इनकी 3 से 4 पीढ़ी पर कुछ ही दिनों में रिसर्च हो जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोग्लेस्टर है। फैक्ट नंबर टू, 1933 में वैज्ञानिक थॉमस सेंट मॉर्गन ने मक्खियों पर रिसर्च के बदौलत नोबेल पुरस्कार जीते थे। उस रिसर्च से यह पता चला था कि हमारे जीन डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, 1933 में मॉर्गन के रिसर्च के बाद 5 वैज्ञानिक पुरस्कार जीत चुके हैं। वह सिर्फ मक्खियों पर रिसर्च करके नोबेल पुरस्कार। फैक्ट नंबर फोर, मक्खियों पर हुई रिसर्च से हमें पता चला कि हमारा विकास कैसे होता है, हमारे बर्ताव की वजह क्या है और हम बुढ़े क्यों पड़ते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंसानों की 75% बीमारियों की वजह से ही मक्खियों में जीन पाए जाते हैं, यानी कि यह प्रजनन कर सकते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, मक्खियों के शरीर में 14,000 जीन होते हैं, वहीं इंसानों में 22,500 और ईस्ट में केवल 5,800 जीन पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर सेवन, मक्खियों को शराब पिलाकर ही पता लगाया गया कि इंसानों में इसकी लत कैसी होती है, हमें नींद क्यों आते हैं, और फिर इसे चाय कॉफी पिलाकर पता किया गया कि इससे नींद पर क्या असर पड़ता है। फैक्ट नंबर एट, हवाई जहाज में उड़ने से जो थकान या जेट लैग होता है उसकी वजह भी मक्खियों पर रिसर्च करके ही खोजी गई थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हवाई जहाज से उड़ान में मक्खियों को भी थकान होती है। फैक्ट नंबर नाइन, अंतरिक्ष में सबसे पहले जो जीव भेजा गया था वो भी मक्खी ही थी। फैक्ट नंबर टेन, इंसानों की और मक्खियों के बीच इतनी समानता है तो इसमें इतना फर्क क्यों? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर लॉरेंस बताते हैं कि यह जिंदगी का तीसरा राज है जिस पर से पर्दा उठना भी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर